शुक्रवार को प्रेरक संघ के अनिश्चितकालीन धरने के 19वें दिन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महापौर सीताराम जायसवाल के आश्वासन पर धरना एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। धरना स्थल पर महापौर पहुंचकर वहां बैठे प्रेरक संघ पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि हमारे द्वारा मानव संसाधन मंत्री, राज्यपाल और बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया था प्रेरकों की संविदा वृद्धि और बकाया मानदेय भुगतान के लिए, अतः धरना को स्थगित कर दिया जाए। महापौर के आश्वासन के बाद सभी पदाधिकारियों ने आपसी सहमति से एक सप्ताह के लिए धरने को स्थगित करने की घोषणा की। धरने में मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह, नैना नंद मिश्रा, रुखसाना खातून, रूबी गुप्ता, वंदना शर्मा, अनुराधा सिंह, गोविंद पांडे, ब्रजेश यादव सहित अन्य प्रेरक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा, क्या मांग है आप लोगों की? हमें सर 40 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। पिछले दिन आपसे मुलाकात हुई थी, आपने भेजा भी था और सर 21 मार्च के बाद से योजना भी समाप्त है, जो बढ़ी नहीं। कितने समाप्त के बाद मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिख दिया है, ठीक है, और हम आप लोगों से धरना को स्थगित कर रहे हैं। तब कल स्थगित करिए जब वहाँ तक कोई जवाब नहीं आता है। बिल्कुल, मैंने उसको भेजा है जी, 1 हफ्ते के अंदर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद आपसे उनसे बात करूँगा और आप लोगों की मांग को रखूँगा। एक बहुत बड़ा मिशन है के सर, बेलो काम, पल्स पोलियो जितने भी हैं इस तरह के सरकारी, वो भी सब प्रेरक के द्वारा होता है। ये समाज के लिए अच्छा काम करते हैं आप लोग, तो हम मैं कहूँगा कि हमारे कहने पर आप लोग जी सर हम आप लोगों को सर 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है हम लोग। हाँ सर 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में नहीं आता है सर, प्रयास करेंगे फिर रिमाइंडर एक आउट चला जाएगा, एक आप भेजे हैं एक आउट चला जाएगा, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्या नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रेरक संघ हमसे 1 हफ्ते पहले मिला था, इनके पदाधिकारी, इनके अध्यक्ष आप मिले थे, तो मैंने आश्वासन दिया था कि मानव संसाधन मंत्री को मैं पत्र भेज रहा हूं और मैंने दूसरे दिन ही पत्र भेज दिया था। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर जवाब नहीं आता है तो मैं मानव संसाधन मंत्री से बात करूंगा और इनकी मांगें 31 मार्च 2018 को जो सेवा समाप्त कर दी गई है इसको बहाल किया जाए और इनका जो बकाया भुगतान है उसको तुरंत अविलंब दिया जाए। ये भी हमारे समाज के अंग है और भारत को विकास के लिए सभी व्यक्ति को साक्षर होना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण जोड़ना है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये हम मांग करेंगे। मेयर साहब से हम लोगों ने पिछले सप्ताह मुलाकात की थी, जिन्होंने सार्थक पहल करते हुए HRD मिनिस्ट्री और जो भी संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको उन्होंने पत्र लिखा था। उनके द्वारा उन आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह आप लोग धरना स्थगित कर दीजिए, पत्र का अगले ही जब जैसे जवाब आएगा उसके बाद कार्रवाई कीजिए, और मेयर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे प्रेरकों का बकाया हो, संविदा वृद्धि हो, उस पर सार्थक पहल करेंगे। तो इस वजह से हम लोग धरना समाप्त नहीं बल्कि स्थगित करेंगे 1 सप्ताह के लिए। अगर कार्रवाई सार्थक नहीं होती है तो इससे अधिक ऊर्जा उत्साह के साथ हम लोग व्यापक और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आनंद कुमार, प्रदेश अध्यक्ष समन्वयक संघ उत्तर प्रदेश।